अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल रऊफ और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रऊफ। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह आप फुड स्टेट कर सकते हैं। अगर आपको फुड स्टेट का तरीका नहीं आता तो आप खुद बखुद फुड स्टेट किस तरह कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दी गई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है ना राय जरूर दें। तो आइए चलते हैं मशीन की तरफ, उधर आपको तरीका सिखाते हैं। उससे पहले आप ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये हमारे पास मशीन पड़ी हुई है, तो सबसे पहले इसे हमने ऑन करना है। ऑन का जो ये बटन होता है ये यहाँ से ऑन होती है, इसको हमने प्रेस करके रखना है। जो ना इसको हमने प्रेस किया तो ये ऑन हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त इन्होंने लिखा प्लीज़ वेट। ऑन करने के बाद हमने अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमने नेक्स्ट अभी हमने इस पेपर का जो है ना इस पेपर की फोटो स्टेट करनी है। एक पेपर है हमारे पास, इसकी हमने फोटो स्टेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद ये जो हमारे पास पेपर बना हुआ है इसको हमने ना ऐसे रखना है, इसका जो साइज़ है ना ऐसे रखना है ना ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो हमारी फोटो स्टेट गलत निकलेगी। तो हमने इस कोने से इसे स्टार्ट करना और यहाँ से A4 पे रखना है, और यानी 11 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो उधर उस पर रखने के बाद उसके बाद हमने ये बंद कर दिया। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो फोटो स्टेट हमारी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं स्क्रीन पर। ये सबसे मुश्किल थोड़ा सा होता है बंदे को समझने के लिए, यार यहाँ से क्या होगा, हम मतलब कैसे मतलब यहाँ से फोटो स्टेट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें, ये हमारे पास बटन लगे हुए हैं, इससे हम जो है ना साइज़ वगैरह ये जो ऑटो पेपर वगैरह सेलेक्ट, मतलब ऑटो ये का सिस्टम ये होता है कि एक ही दफ़ा हम यहाँ अपना साइज़ लगा दें कि कितने जो है ना मतलब पेपर हम एक दफ़ा निकालना चाहिए, तो वो सिस्टम होता है। तो इसका हमने अभी छेड़ना नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमने यहाँ से एक ये वाला बटन प्रेस करना है। सबसे पहले जब ये बटन हमने प्रेस किया उसके बाद ये जो है ना बटन प्रेस, ये असल में थोड़ा सा मसला कर गया था प्रेस, तो ये हमने प्रेस किया फिर ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमने छेड़ना नहीं है, फिर उसके बाद ये बटन को प्रेस करना है ज़ोर से। जब हमने ये बटन प्रेस कर दिया तो अब ये हमारे पास इंटर जो है ना रिपोर्टेशन जो रेशो आ गया, तो इसको हमने ये कहना है ये 71 पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने जो कि कागज़ का रेशियो जो है 95 है, तो यहाँ से हमने 95 सेलेक्ट कर देना। ये देख सकते हैं हम स्क्रीन पे, यहाँ 95 हो गया। 95 सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो इंटर का बटन है ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये हमने ग्रीन कलर पर क्लिक करना है, क्योंकि इसके अंदर पहले से पेपर पड़े होते हैं। अगर पेपर ना पड़े हो तो हम यहाँ से डालेंगे। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर ये पेपर अभी फोटो स्टेट निकल आई है, ये देख सकते हैं आप ऐसे फोटो स्टेट हो गया। और इसके अंदर जो ना हम आपको बताएंगे कि पेपर जो है ना ये पड़े हुए होते हैं, ये पेपर पड़े हुए इसके अंदर, ये इसके अंदर पहले से पेपर मतलब होता है। अगर ना होते तो उस तरह से हमें डालने पड़ते हैं, लेकिन इसकी हमें टेंशन नहीं है। तो पेपर ये हमारे पास पड़े हुए, ये आप देख सकते हैं कि फोटो स्टेट निकल आई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अपने होस्ट अब्दुल रऊफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।